Question number 5. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 cubic meter and diameter of the base is 40 centimeter. हमें इसकी हाइट निकालनी है. डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है? 140 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ बेस क्या आ जाएगा? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है 140 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 200. ये बनेगा सेंटीमीटर. इसके बाद वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? ये दिया हुआ है 1.54 क्यूबिक मीटर. यहां पर हमें यह देखना है रेडियस जो है सेंटीमीटर में, जो वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर. हमें यूनिट सेम करना है. अब इसी सेंटीमीटर को 70/100 अब ये मीटर, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला? भाई फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? टू नहीं पाई आर स्क्वायर एच विच इज 1.54. पाई बनेगा 22/7 आर स्क्वायर, यानी 70/100 स्क्वायर इंटू एच. एच निकालना है. ठीक है, यहां पर लिखूंगा मैं लेट हाइट इज इक्वल टू एच. ठीक है, इस यहां पर लिखूंगा मैं एच. ये बनेगा 1.54 22/7 इंटू 70/100 इंटू हाइट 1.54 10. ठीक है, तो ये 22 यहां एच रहेगा यहां पर लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 1.54 10 × 10 मल्टीपल में आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 22 × 7. तो ये बनेगा 1.54 डिवाइड बाय 22 × 7 बनेगा 154. सो हाइट विल बी इक्वल टू 1. तो सो हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 1 मीटर. ठीक है, तो इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6. अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हूज रेडियस इज 1.5. रेडियस ऑफ सिलेंडर का टैंक यानी आर 1.5 मीटर. ठीक है, हाइट क्या है? हाइट यानी एच हाइट ऑफ द सिलेंडर का टैंक इज 7 मीटर. ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक. हमें इसका वॉल्यूम बताना है पहले, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स बताना है. पहले हम इसका वॉल्यूम देखेंगे. ठीक है, वो क्यूबिक मीटर में आएगा, यूनिट क्या है और यहां पर मीटर्स हैं, हमें इन लीटर्स बताना है. ठीक है, तो हम जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं. पहले इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का टैंक, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो गया 1.5 इंटू एच क्या है 7. 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7 और 7 कैंसल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 49.5 क्यूबिक मीटर. तो सिलेंडर ऑफ दिस रेड वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज 49.5 क्यूबिक मीटर. अब हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर्स सिंस
1 cubic meter is equal to 100 liter. So volume of cylindrical tank क्या बनेगा, 49.5 इंटू क्या करेंगे 1000, ठीक है, ये बनेगा 49,500 liters. So volume of given tank is 49,500 liters. That is 49,500 liters of milk can be stored in the tank. ठीक है, तो इसका आंसर है. Question number 7. If each edge of a cube is doubled, अगर क्यूब का हर एक एज डबल करें, how many times will its surface area be increased? How many times will its volume be increased? Let edge of a cube be L. अगर हम इसका एज रखेंगे क्या L यानी साइड, सरफेस एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया क्या बनेगा, विल बी क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सिक्स एल स्क्वायर यानी सिक्स एल स्क्वायर यानी सिक्स इंटू ये एल ही बनेगा. ठीक है, इफ एज इज डबल्ड न्यू सरफेस एरिया क्या बनेगा, यानी इफ एज इज डबल यानी पहले एल था डबल हो गया अब टू एल बन गया है. ठीक है, न्यू सरफेस एरिया क्या बनेगा, सिक्स टाइम्स एज स्क्वायर वो बनेगा सिक्स टाइम्स टू एल स्क्वायर, ये बनेगा सिक्स ये टू स्क्वायर हो गया फोर और एल स्क्वायर सिक्स फोर था 24 एल स्क्वायर. सरफेस एरिया था सिक्स एल स्क्वायर, अगर हमने एज डबल किया तो सरफेस एरिया कितना निकला 24 एल स्क्वायर. अब कितनी टाइम्स यह इंक्रीज हुआ, क्लियरली द सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, देखो 4 इंटू हो गया 24. ठीक है, यानी 24 इज 4 टाइम्स 6, ये होगा पहले पार्ट का. अब दूसरा पार्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है वेन एज इज एल, क्यूब का वॉल्यूम एल इंटू एल इंटू एल हो गया एल क्यूब. ठीक है, इफ एज इज डबल्ड यानी टू एल हो गया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब यानी एल क्यूब बनेगा, साइड क्यूब हो गया साइड क्यूब, ये बनेगा टू क्यूब, टू क्यूब कितना बनेगा 8 एल क्यूब. अगर हमने डबल किया इसका एज तो वॉल्यूम कितना निकला 8 एल क्यूब, पहले कितना था एल क्यूब, तो कितने टाइम्स है 8 टाइम्स. क्लियरली द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड By 8 times, 8 times increase हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर है. Question number 8. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. एक मिनट में 60 लीटर 60 liters pour हो जाते किसमें, cuboidal reservoir में पानी. हमें बताना है फिर दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 क्यूबिक मीटर्स फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर. हमें ये बताना है कितने आवर्स में रिजर्वायर भर जाएगा कंप्लीटली. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल रिजर्वायर इज 108 क्यूबिक
मीटर, फिर यहाँ पर हमें लीटर में इसका कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इट इज गिवन दैट वाटर इज पोरिंग एट द रेट, किस रेट से, 60 लीटर, 60 लीटर पर मिनट, ठीक है, वो क्या बनेगा, दैट इज 60 लीटर पर मिनट, 60 into 60 लीटर, ये बनेगा 0060 लीटर पर आवर, ठीक है, यानी एक मिनट में 60 लीटर, एक मिनट में 60 मिनट होते हैं, एक आवर में, इसलिए हमने ये 60 मल्टीपल किया, एक आवर में कितने 33,600 लीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ रिजर्वायर क्या है, 108 क्यूबिक मीटर, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू लीटर्स, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो ये बनेगा 108 इंटू 1000 लीटर, विच इज इक्वल टू 108/0 इतने लीटर्स, ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, अब ये बताना है कितने आवर्स में ये रिजर्वायर भर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ रिजर्वायर क्या है, 108,000 यानी 1,08,000 लीटर डिवाइड बाय एक घंटे में कितना भर जाता है, 3,600 लीटर, तो ये जीरो, सो ये बनेगा 1080 डिवाइड बाय 36 which will be equal to 30 hours, so it will take 30 hours to fill the reservoir, 30 ghanton mein ye reservoir bhar jayega,